पेड़ की छाँव में बैठ के नमकीन पराठे खा रहा हूँ भाई। लोडिंग मशीन धान भर रही है ट्रक में, अभी ये ट्रक जाएगा कोटा। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं हूँ गांव में और लाइफ के कुछ अपडेट दूँ तो दिवाली पे आया था मैं अभी मेरे भाई के साथ बाइक से। अगर आपने शॉर्ट्स देखे हो तो उसमें आपको पता चल गया होगा। और कल था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल जिसमें इंडिया जीत चुका है और अब होगा फाइनल, ये तो पता नहीं किसके साथ होगा। आज सेकेंड सेमीफाइनल है तो फाइनल देखने के लिए मैं जाऊँगा राजवाड़ा, तो उसके लिए मुझे निकलना होगा इंदौर, वो जो कि मैं हूँ कल निकलूँगा। और आज का दिन अपन यहीं पे एक्सप्लोर करेंगे गांव में पूरा, तो देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। राधे राधे जी जी। राधे राधे बेटा। तबीयत बढ़िया? बढ़िया ठीक है। और दिवाली के जरिए आपकी? बहुत अच्छी रही। बेट तो अच्छा रहा दिन तेरा। ये दो दूसरी बार काई मम्मी ज्वार रबड़ी बनाएंगे। अरे क्यों पी सकते? नहीं नहीं दलिया दलिया बनाई। दादी चाची और मम्मी का डांस है। बस खलियान में चाय देने जा रहे दोस्तों हम लोग। खलियान में चाय चार पांच कप का नाम लिया पापा ने। कप प्लास्टिक वाले डिस्पोजल पे रख देना। आ गए दोस्तों अपन खलियान में, लोडिंग मशीन धान भर रही है ट्रक में, अभी ये ट्रक जाएगा कोटा, कोटा मंडी में। और प्रमोद पहले से ही कोटा है तो वो जाएगा शायद इसको बिकवाने। इधर ही धान को बरसा रहे हैं, कचरा अलग किया जा रहा है और उसको जो साफ कर लेते हैं ना उसको इधर से फिर भर के इसे ट्रक में भर दिया जाता है। अपन को निकलना है कल सुबह इंदौर के लिए, तो मैं सोच रहा था अपनी गाड़ी को धुल लेता हूँ एक बार। ये जो थोड़ा सा इसमें शैम्पू भर के लाया था मैं मेट शैम्पू अपनी गाड़ी का, इसमें मेरे पास बड़ी सी वो है पूरे शैम्पू की एक लीटर वाली, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें भर के लाया था यहाँ पे धुलने के लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है गांव में तो पूरी ऐसी हो चुकी है बहुत ज़्यादा गंदी। देखो देखो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है हालत देखो आप, तो सोच रहा हूँ इसको धुल लेता हूँ। तो वही है अभी लगाता हूँ इसको यहाँ पे, मोटर भी चलाता हूँ, लाइट आ रही है, उसके बाद अच्छे से साफ़ हो जाएगी। बाकी इंदौर में तो जाकर मैं और धुल लूँगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि धूल ज़्यादा उड़ती है ना गांव वगैरह में इंदौर के मुकाबले से, लिए तो इधर ही लगा लेता हूँ मैं। वो डाल चुका हूँ अपना और अभी अब बैग वैग जमा के बस निकलना है मुझे इंदौर के लिए, तो फटाक से मैं निकलता हूँ यार क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, 10 बज चुके हैं यहीं पे। दोस्तों अभी मैं रुका हूँ कहीं, एक ब्रेक ले रहा हूँ, झालावाड़ में पहुँचने वाला हूँ। तो अभी बीच रोड पे मतलब बीच नहीं साइड में हूँ मैं रोड के, और पेड़ की छाँव में बैठ के नमकीन पराठे खा रहा हूँ भाई। अभी टाइम हो रहा है 1:20 मतलब 1:30 बज रही है ऑलमोस्ट, हाँ 1:25 ऐसे कुछ होता है, 1:30 बज रही है। तो मुझे लगा रुक के कहीं खाना खा लेते, मुझे इतना भूख तो नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी एक दो पराठे खा लो थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद अब मैं शायद 1-1.5 घंटे बाद ही रुकूँगा क्योंकि इससे पहले मैं चाय के लिए रुक गया था और अभी ये खाने के लिए बीच रोड पे खा रहा हूँ बाइक लगा के, बीच नहीं सॉरी साइड साइड में कोने पे छाँव में लगा के। पर मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी बढ़िया मस्त लग रहा है मेरे को। 2 बज चुकी है, 1/2 घंटे का मेरा ब्रेक था तो अब मैं निकल रहा हूँ। मेरे को लगता है जहाँ तक मैं 6 के बाद ही पहुँचूँगा इंदौर, 6 बजे के बाद ही, क्योंकि मैं निकला भी बहुत लेट था। 10 बजे मैं घर से निकला श्योपुर से, उसके बाद फिर मैं रुक भी गया था एक दो जगह भगवान के दर्शन करने के लिए, तो
लेट्स सी कब तक पहुंचता हूँ। मेरा एस्टिमेट टाइम है 6 से 7 के बीच में, देखते क्या होता है। मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम पे और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रही। जैसे मैंने एस्टिमेट किया था ना 6 से 7 के बीच में पहुंचूंगा, तो 6:50 पे मैं पहुँच गया था। बाकी फिर रूम वूम खोला, गाड़ी वाड़ी लगाई ना, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो जितना मैं एग्जैक्ट एस्टिमेट करता हूँ ना उसी के आसपास पहुँचता हूँ हर बार। इस बार भी सेम वही था 6 से 7 के बीच में, तो 7 बजे मैं पहुँच गया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल का कहीं प्लान है मेरा जाने का, देखता हूँ अगर गया तो बनाऊँगा व्लॉग। चलो बाय बाय।